लखनवी चाट। बहुत मजेदार सी एक चाट बन रही है, लखनऊ चना चाट, बेहतरीन किस्म की, मजेदार किस्म की लखनऊ चना चाट है। तो इसके लिए क्या है, हमें सफ़ेद चने 2 कप चाहिए, आलू 2 अदद चाहिए बॉईल के, प्याज 1 कप चाहिए, दही हसब ज़रूरत चाहिए, इसके कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, मसूर की दाल उबली हुई 1 कप चाहिए, फुलकियाँ चाहिए 1 कप जो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर रखी हुई है, पापड़ी हसब ज़रूरत चाहिए, और इसके बाद ऊपर चटनियाँ जिस तरह से हरी चटनी हमारे पास बेक पार्लर की है, और 1/4 टीस्पून सोडा डाल के जो हमने इसको बॉईल किया है। अच्छा, हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर, प्याज, वो तो सबको पता है, ऊपर से हम डालते हैं। अब इसकी जो चटनी एक अलग से हम बना रहे हैं वो है खजूर की, जिस तरह से खजूर की खट्टी मीठी हमें चाहिए, खजूर चाहिए तकरीबन इसके अंदर 1 कप चाहिए, साथ में हमें चाहिए इसके अंदर इमली का रस 1 कप चाहिए, लाल रंग 1 चुटकी चाहिए, काला नमक 1/2 चाय का चम्मच, भुना जीरा 1 चाय का चम्मच, गुड़ या चीनी आप 2 खाने के चम्मच ले लीजिएगा, और साथ में लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा 2 चाय के चम्मच। चनों के अंदर थोड़ा सा कुटी हुई मिर्च, नमक डाल के, और ये फुलकियाँ हैं, आलू है, सब डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया, ताकि अगर आप जब खाएं तो खाली ये मतलब फीका फीका ना लगे, तो ये सारे मिक्स कर लिए। यहाँ पर हम खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे, तो ये मैं ले रही हूँ इमली का पल्प है, ठीक है, इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा नमक, साथ में मेरे पास है ये ब्राउन शुगर ले लें, गुड़ ले लें, जो भी आपको आसानी से मिल जाता है, कोई ऐसा मेरी रेसिपी में यही नहीं होता कि आपको यही चीज़ें चाहिए। इसके बाद ये मेरे पास है खजूर, ठीक है, ये खजूर है, खजूर के साथ थोड़ा सा लाल रंग, ठीक है, ज़रा सा इसमें एक ड्रॉप डालती हूँ, इसमें मैं देख लेती हूँ, रेड फूड कलर जो होता है ना वो मैंने डाला है, अच्छा। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा ज़रा सा ठंडा हो जाए, वापस ये आपके सामने मैंने ज़ीरे को भुना था, वो भी मैंने यहाँ पर पीस लिया ज़ीरे को, तो ये मैं इसमें डालती हूँ चटनी को, इसको पीसते हैं, ये बहुत मज़े की चटनी बनी है, ये देखें, ये इसमें मसूर की दाल भी मिक्स की हुई है, वरना ये बिल्कुल सूखा सूखा सा हो जाता है। थोड़े से आलू, फुलकियाँ, ये जो मैंने ज़ीरा भून के रखा है ये हम इसमें डालेंगे इस तरह से, सही है। इसके बाद ये चटनी है ये इसके ऊपर डाल देते हैं, आप चाहें तो थोड़ी सी इसको पतली भी कर दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद मेरे पास है दही है, दही है, ये पापड़ी है, बस ये हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये सारी डालेंगे, बाकी ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। ज़ाहिर है चाट का मज़ा ही नहीं आता जब ऊपर टमाटर प्याज वगैरह ना। लखनवी चाट, अच्छा, सफ़ेद चने 2 कप, उबले आलू 2 अदद, प्याज 1 कप, दही हसबे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, मसूर की दाल 1 कप, मूंग दाल की फुल्की हसबे ज़रूरत, पापड़ी हसबे ज़रूरत, हरी चटनी 1 कप, खाने का सोडा 1/4 चाय का चम्मच, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च हसबे ज़रूरत, खट्टी मीठी चटनी के लिए इमली का रस 1 कप, खजूर 6 अदद, लाल रंग चुटकी भर, काला नमक 1/2 चाय का चम्मच, भुना जीरा 1 चाय का चम्मच, गुड़ 2 खाने के चमचे, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे।